देखिए आपको भी मेरे जैसा मेकअप करना है और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है मेकअप के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस मेकअप में मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट का यूज किया है। सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों से मैंने इस मेकअप को क्रिएट किया है, जो कि सबके पास अवेलेबल हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों से इस मेकअप को क्रिएट किया है, बहुत ही आसान मेकअप है। तो चलिए फिर, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, और जिनको प्रॉब्लम है मेकअप से रिलेटिव कुछ भी कि उनका मेकअप हट जाता है, तो वो अपने फेस पर जो है मेकअप से पहले स्क्रब कर ले, होममेड कर ले या फिर कॉस्मेटिक कर ले। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लिया है, और ये एलोवेरा जेल जो है इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, तो यहाँ पर हम एलोवेरा जेल ही यूज करेंगे। तो ये जो है मॉइस्चराइजिंग का भी काम करेगा, प्लस जो है प्राइमर का भी काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है, और रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगाने के बाद कम से कम 2 मिनट आपको रेस्ट करना है, यानी कि अपनी स्किन को 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही आप फाउंडेशन या फिर कुछ भी अप्लाई करें। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ वाली मैंने ये आईब्रो फिल पेंसिल ली है, तो इससे जो है मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो देखिए, मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से जो है शेप दे दूँगी, और ये ब्राउन कलर की है, तो इससे जो है हमारी आईब्रो नेचुरल दिखेगी। तो आईब्रो के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे आप जो है आईब्रो को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो है आईब्रो डन हो गई है। सेम आईब्रो मैं दूसरी भी फिल कर लूँगी ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं प्रॉपर इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए। तो देखिए, ऐसे ही मैं दूसरी आईब्रो को भी फिल कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी दोनों ही आईब्रो को फिल कर लिया है, और इसके बाद जो है हम बेस मेकअप पर आते हैं। तो देखिए, बेस मेकअप के लिए यहाँ पर मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया है, जो कि 120 रुपये में आ जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही लो प्राइस का ये फाउंडेशन है, और काफ़ी अच्छी जो है इसकी कवरेज भी है, ठीक ठाक इसकी कवरेज है, तो आप इसके साथ कर सकते हैं, वरना आप कोई भी जो है BB CC क्रीम भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो देखिए, बहुत सारी लेडीज़ों के पास जो है लैक्मे का ये फाउंडेशन होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए ही बनाई है जिनके पास ये फाउंडेशन है, और उन्हें लगता है कि ये फाउंडेशन से मेकअप कैसे करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जो है वो फाउंडेशन को भी वो यूज कर पाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके फुल फेस पर अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन को, और अब जी यहाँ पर हम जो है हाथों से ही इसको ब्लेंड करने वाले हैं। तो देखिए, हाथों से जैसे आप ब्लेंड करोगे, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है हाथों से ही इसको ब्लेंड करने वाली हूँ, और जिनके पास ब्यूटी ब्लेंडर है वो ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसको ब्लेंड कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो मेरी तरह हाथों से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं आइस के जो ऊपर है, तो वो मैं फिंगर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और जी फोरहेड पर भी ऐसे ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंड में कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ज़रूर देनी चाहिए, चाहे वो क्रीम हो या फिर कंसीलर हो या फिर फाउंडेशन हो, तो ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए मेकअप में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बेस मेकअप जो है वो कम्प्लीट है, और अब जो है मैं आइस मेकअप करूँगी। तो ये स्विच विटी की लिपस्टिक है, तो इसकी जगह आपकी जो भी फेवरेट लिपस्टिक है आप वो यूज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिपस्टिक मेरे पास है वही आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपके पास लिपस्टिक है उस लिपस्टिक को लेना है आपको, और आप जो है अपनी आईज पर अप्लाई करें, और जैसे कि मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ वैसे आपको ब्लेंड करना है। तो देखिए, मैंने हल्की हल्की जो है लिपस्टिक को अप्लाई किया है अपनी आंखों पर, और इसके बाद जो है मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। तो जिनके पास ब्रश है तो वो ब्रश से करें, और जिनके पास ब्रश नहीं है तो वो मेरी तरह फिंगर से ब्लेंड करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो ब्लेंड किया है ये लाइट आइस मेकअप है, तो आपको थोड़ा सा डार्क करना है, या फिर आप पार्टी में जा रहे हो और या फिर आपको जो है डार्क आइस मेकअप पसंद है, तो आप थोड़ी सी लिपस्टिक और लें और अपने जो है आइस पर अप्लाई करें, देन उसको ब्लेंड करें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आइस मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पर लाइनर लगाएंगे, क्योंकि लाइनर मेकअप में मोस्ट होती है। तो देखिए, यहाँ पर कलर वार की लाइनर ली है मैंने, और इसी के साथ जो है मैं अपनी आईज पर लाइनर लगाऊंगी। तो देखिए, जिनके पास लाइनर है वो लाइनर लगाएं, जिनके पास लाइनर नहीं है तो वो काजल से ही जो है लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेकअप में जो है काजल से ही लाइनर लगाना बताया है, बहुत सारी वीडियो है मेरी चैनल के ऊपर, तो आप चेकआउट जरूर करना।
तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा मोटा सा लाइनर लगा लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो है आईज पर लाइनर लगा सकते हो जैसा आपको पसंद है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है अच्छे से इसको लगा लूँगी दोनों ही आईज में। और इसके बाद जो है पार्टी मेकअप है, तो देखिए मैं यहाँ पर फोर लेसेस का ज़रूर यूज करूँगी। तो देखिए जिनके पास फोर लेसेस है वो लगाएं, जिनके पास नहीं है फोर लेसेस तो वो जो है स्किप करें। आप जो है मस्कारा का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इस मेकअप में मस्कारा का यूज नहीं किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने जो है आउटर कॉर्नर से और इनर कॉर्नर में जो है थोड़ा सा कॉर्नर जो है विंग टाइप का निकाला है लाइनर में, आप देख सकते हो। तो मैंने दोनों ही आईज पर जो है लाइनर को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद फिर से जो है मैंने स्विचविटी की लिपस्टिक ली है, वो मैंने अपने हाथों पे जो है थोड़ा सा लगा रही हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ब्लश लगाऊंगी ना, तो ब्लश लगाने के लिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप इस ट्रिक के साथ कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो। और उसको अपने हाथों पर लगाना है, और हाथों पर लगाने के बाद जो है थोड़ा सा आपको फाउंडेशन या फिर क्रीम लेनी है, उसको मिक्स करना है, देन उसको अपने गालों पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद फिर हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है, तो आपका ब्लश बहुत ही बेस्ट लगकर तैयार होगा, बहुत ही जो है उसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आपको लगेगा नहीं कि आपने लिपस्टिक लगाई है, आपको लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छा जो है ब्लश लगाया है, नेचुरल सा जो है लुक मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हो ये ट्रिक आप कर सकते हो, और ये ट्रिक जो है उनके लिए भी काम आएगी जो ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा जो है मेकअप का सामान है वो ले जाना नहीं पसंद करते हैं, या फिर कैरी करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट होने वाली है। और अब जो है मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, तो देखिए सेम लिपस्टिक से जो है मैं अपनी लिप पर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई आउटर जो है आउटलाइन नहीं क्रिएट की है, मैंने डायरेक्ट लिपस्टिक को अप्लाई किया है। तो देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है आउटलाइन क्रिएट करें, देन उसके बाद जो है लिपस्टिक को अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लिपस्टिक है वो अप्लाई हो गई है, और उसका कलर काफ़ी अच्छा है, और जी बहुत ही अच्छी है ये लिपस्टिक, 200 में आ जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है। इसकी जगह जो भी आपके पास लिपस्टिक है, जो भी आपको जो है अच्छी लगती है लिपस्टिक, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही कलर आपके पास हो तो तभी इस मेकअप को कंप्लीट करोगे आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो मैं लेसेस लगाऊंगी, तो देखिए गाइस मैंने आपको बोला था कि आपको लेसेस लगानी है तो आप लगाएं, आपको नहीं लगानी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आप लेसेस लगाओगे तो आपके जो मेकअप है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर जो है लेसेस को अप्लाई कर लिया है, ग्लू को मैंने पहले से अप्लाई किया था लेसेस पे और एक मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद जो मैं अपनी आई लेसेस पर जो है लेसेस लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी लेसेस लगकर डन हो गई है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है हमारा आईज लग रही है, कितना अच्छा हमारा मेकअप लग रहा है नेचुरल सा। तो देखिए ये मेरा फाइनल लुक है, और ये फाइनल लुक है, हल्का सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया है और इयर रिंग्स पहने हैं, तो ये मेरा फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर मेकअप से रिलेटिव, तो जाकर चेकआउट ज़रूर करना। तो देखिए ये मेरा जो है बहुत ही कम चीज़ों से होने वाला मेकअप था, सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों से मैंने इस मेकअप को क्रिएट किया है। और एक बार फिर से बोलती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।